हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर डेली लाइव मार्केट के अंदर मैं एक से दो डेमो कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों में ही आसानी हो जाती है। बात करेंगे मल्टीपल शेयर्स की। सबसे पहली कंपनी आती है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। काफी लंबे अरसे के बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। 2.5% से ऊपर की तेजी के साथ 1153 रुपए पे जाके स्टॉक बंद हुआ है। 5 दिन की बात करें तो 5% के आसपास की तेजी है और 1 महीने की बात करें तो 1% के आसपास की तेजी है। ओवरऑल ग्रोथ अगर देखें लिस्टिंग जो हुई थी उसके हिसाब से तो जहां प्रीमियम गेन अच्छा देखने को मिला था उसके बाद से स्टॉक में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और जहां 1400 के आसपास स्टॉक लिस्ट हुआ था वहां पे एक चीज मैंने बताई थी कि स्टॉक में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में सिर्फ शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं कि जैसे आईपीओ मिला, प्रॉफिट मिला, एग्जिट किया और वही चीज हुई। स्टॉक ऊपरी स्तर से अगर आप देखें तो 12-13% की करेक्शन में आ चुका है 1150 रुपए के लेवल, और मेरे हिसाब से अभी भी अगर स्टॉक जो है 1000 रुपए के आसपास आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक को बाई करके होल्ड करने की लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक जो है मेरे हिसाब से अभी भी हाई वैल्यूएशन पे है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि इस स्टॉक को जो खरीदने की जो होड़ मची थी वो बहुत ज्यादा थी और सबको था कि भी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मिले, और वो मिला भी जिन लोगों को, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। सभी ने तो नहीं की होगी बट लेकिन कुछ ने की है, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन जरूर देखने को मिली है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज अ ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। मार्केट कैप 46,000 करोड़ का है। 3 महीने में 6 महीने में कोई ज्यादा रिटर्न्स नहीं है और ऊपरी स्तर से स्टॉक अगर देखें तो 17.7% की करेक्शन में है। रिटर्न ऑन कैपिटल 28.1% का, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 23.7% के आसपास का देखने को मिल रहा है। 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ब्लो जो है स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दिसंबर क्वार्टर के अंदर 237 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि ईयरली बेसिस पे भी एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी इंप्रूव होता नजर आता, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है टाटा टेक्नोलॉजीज में। और अगर बात करें रिजर्व की तो 2772 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। कर्जा 260 करोड़ के आसपास का है। टोटल एसेट्स की बात करें 5142 करोड़ के हैं। काफी कम एसेट्स हैं 5000 करोड़ के टाटा ग्रुप की कंपनी के पास में, और प्रमोटर्स की होल्डिंग है 55%। पब्लिक देखें तो आप यहाँ पे 40% स्टेक होल्ड करती है, यानी कि सेकंड एंटिटी है जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक है टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर, और FI और DIS की होल्डिंग 2-2.5% के आसपास ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। काफी अच्छी रैली दिखाने के बाद स्टॉक में काफी सारे अपर सर्किट लगे और उसके बाद से अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो गया है, और मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आने वाले 1-1.5 महीने तक ऐसे ही कंसोलिडेट करें, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस जो हैं आगे, सेंट्रल इलेक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को ठहराव में थोड़ा सा ला सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रही है तो एक रिस्की जोन में है। हालांकि क्लोजिंग की बात करें तो 175 रुपए के आसपास हुई है, 5 दिन में 13% की तेजी, और यहाँ पे देखिए काफी अच्छी रैली दिखाने के बाद पहली प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर एक हल्का सा पुश देखने को मिला, दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें देखने को मिल रही है IREDA के अंदर, और ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें लिस्टिंग के बावजूद भी तो 191% रिटर्न्स जो है 2 महीने के अंदर ये कंपनी इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। काफी अच्छी रैली रही है बीते 2 महीने के अंदर जो स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिखाई, और अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आप कह सकते हैं कि IREDA में इस टाइम देखने को मिल रहा है। अपडेट की बात करें तो IREDA ने और पंजाब नेशनल बैंक ने कोलैबोरेशन किया है टू एनहेंस फाइनेंसिंग फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो IREDA के अंदर जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको फाइनेंस करने के लिए PNB बैंक के साथ में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू एक्सेलरेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट IREDA एंड PNB हैव साइंड अ MOU। दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड इंक्रीज एक्सेस टू द फाइनेंस फॉर ग्रीन एनर्जी सेक्टर। तो ऐसे में रिकवरी जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में तो होगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट कंपनी है IREDA, और लॉन्ग टर्म में हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में रहेगा जो कि फर्दर इस स्टॉक को बड़े लेवल्स पर लेकर जा सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्वार्टर थ्री काफी इंप्रेसिव रहा था। रिटर्न ऑन कैपिटल 8.17% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%। फेस वैल्यू स्टॉक के 10 रुपए है। इन फ्यूचर 1:10 का स्प्लिट कंपनी जब चाहे दे सकती है। 52 वीक हाई से स्टॉक 18.6% की करेक्शन में है। हालांकि 50 डेज मूविंग एवरेज से
अभी भी स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 140 के आसपास जो है 50 डेज मूविंग एवरेज है, यानी कि 140 इज द करेक्ट लेवल टू बाय द IREDA, और दिसंबर क्वार्टर में 394 करोड़ के आसपास का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, जो कि ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें 240 करोड़ से बढ़कर 394 करोड़, काफी पॉजिटिव जो है नंबर्स रहे थे IREDA के। और अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 75%, FIs 1.88 और DI की बात करें 4.37% है, पब्लिक के पास 18.75% स्टेक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो हमारे लिस्ट में आता है HDFC बैंक लिमिटेड। लास्ट 3 साल से स्टॉक ने कोई अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं दिए, अब दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ और ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि स्टॉक में 2000 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी चले देख लेते हैं। 1453 रुपए पे बंद हुआ, 5 दिन में 6% तक का उछाल है और 1 महीने में 2% की तेजी, जबकि 6 महीने में 8.5% की करेक्शन है। 1 साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस 11.5% की करेक्शन में है और 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 38% के आसपास की करेक्शन। अब यहाँ पे ये लेवल्स देखें, अगर आप 1390 1597 यानी कि 2021 स्टार्टिंग के हैं और अभी चल रहा है 24 की स्टार्टिंग, तो ओवरऑल जो ये 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी HDFC बैंक की नहीं रही है। जो रिटर्न्स आप देख पा रहे हैं 38% के, ये इस वाली करेक्शन के ही आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अपडेट की बात करें तो HDFC बैंक के स्टार्ट जो है रिगार्डिंग जो है बाई की कॉल आ चुकी है और बाई फ्रॉम सिटी विद 44% अपसाइड ऑन स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजेस चेक टारगेट प्राइसेस। तो यहां पे अपडेट है कि भाई HDFC बैंक के अंदर जो है एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और टारगेट प्राइस की अगर बात करें तो 2050 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है सिटी जिसने बाई रेटिंग दी है HDFC बैंक की रिगार्डिंग और उम्मीद है कि स्टॉक जो है 2000 रुपए तक के लेवल्स को टच कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, 5% की लगातार तेजी, 4650 रुपए पहुंच चुका है, 1 महीने में 54% और 6 महीने में 253% है, 1 साल में 677% रिटर्न है और मैक्सिमम रिटर्न्स भी पता है हमें 32,000-33,000% रिटर्न है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से स्प्लिट अनाउंस किया गया है, रेशियो है 1:5 का, यानी कि एक शेयर को तोड़कर 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक है जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली कंपनी को 990 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता नजर आया जो कि स्टॉक को फर्दर 5000 प्लस के लेवल्स पर लेकर जा सकता है। करेक्शन आने का इंतजार करिए क्योंकि देखिए कंपनी लगातार परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रही है, रिटर्न्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उनको काफी अच्छे नतीजे स्टॉक ने दिखाए भी है, बट लेकिन अभी के लेवल्स पे खरीदारी करना इस स्टॉक में काफी महंगा साबित हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।